मैं सिर्फ बिहार रहती थी और मेरे घर में तेजा फेंक फेंक आग लगा रहे थे और हम सब लोग रात भागे, बहुत आग जल रही थी, बहुत डर गए थे। और फिर सब लोग बच्चे अच्छे ऐसे ले के कुछ नहीं ला पाए, कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं, ऐसे ही बच्चे ले ऐसे ही भाग चले आए। मैं वही रोती चीखती रही और बहुत कुछ करती रही। मेरे सब बच्चे मैंने ऊपर जाए कमरे में बंद कर लिए, मेरे घर सब तोड़ दिए, पड़ोस में सब में घर में आग लगा दी, कुछ नहीं छोड़ा। पचास साठ बंदे हमारे घर के आसपास आए और वहाँ पर कह रहे जय श्री राम के नारे लाओगे तो रहोगे, नहीं तो यहाँ नहीं रहोगे, और यहाँ से भाग जाओ नहीं तो गोधरा कांड बना देंगे। दुनिया भर की उन्होंने बातें करी, उनके हाथ में डंडे थे, तलवारें थी, और इस तरीके से कुछ देर उन्होंने बोला और वहाँ से गायब हो गए। उसके बाद मंगल को भी हमला हुआ हमारे पास और सिलेंडर फाड़े गए, घरों में आग लगाई गई, खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हो रही थी और नकाबपोश आदमी थे, कुछ इलाके के भी होंगे जो हमें पता नहीं है, ढाटा बांधे हुए थे। मस्जिद में तीन तीन सिलेंडर फोर है और सब मस्जिद भी मेरी तीनों जलाई थी, मदरसा भी जलाई थी। पुलिस भी नहीं थी, कोई नहीं था करने वाला, मारने लिए तैयार थे बिहार के सारे, काटो इन्हें मारो, काटो इन्हें मारो, भागना भी भारी पड़ गया, सांस फूल फूल जा रही भागते भागते, बहुत बुरा हालात थे। पुलिस वाले भी नहीं थे, हम लोग रात भागे भागते ना तो हम लोग जल जाते। इन्हें चमन पारक वालों ने मदद करी, निखार के लाए मुझे, सब जय करते हैं वो, कुछ पुलिस वालों को फ़ोन करते वो भी नहीं आते हैं। हम बार बार इधर उधर फ़ोन करते रहे, भैया बस हमारा कयास होना माफ़ कर देना, हम बरतने के नहीं हैं ना, हमारे बच्चे बचेंगे। और क्या कहते हैं, यहाँ पर सिलेंडर इतने तेज़ तेज़ फूक रहे हैं, जय श्री राम के नारे, अने केजरीवाल को लाओ बुला के, हाजी यूनुस को लाओ बुला के, अब क्यों नहीं आ रहा वो तुम्हारे पास, जिताओ उसे, ये करो उसे, वो करो, आओ आओ तुम्हें आज़ादी देंगे तुम्हें। बहुत चाहिए थी, बहुत पॉलिटिक्स में जाती थी, बहुत ही ऐसे करती थी कि इस कर आओ तुम्हारी बहन बेटियों को पकड़ेंगे। घर हमारे ही था वो, और अब घर नहीं रहा, मेरा सब घर बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं रहा। उधर से उधर की तरफ से रोड चक्की है एक हमारी गली के पास में, उधर की तरफ से ठेली में भर के डंडे आए हैं और पत्थर आए हैं और सिलेंडर आए हैं, उधर से हेलमेट पहने हुए थे सारे आदमी। फिर तो पूरी रात काली ऐसी हुई है, पूरा लाल था पूरा बिहार, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। हमारी दो बेटियाँ थी, हमारी बेटी भागती फिर रही है कहीं छत पे कभी नीचे, इधर से सिलेंडर आ रहा है उधर से सिलेंडर आ रहा है, हमारे बच्चियों को हम लेके भागे अपनी चार छुड़ा के। बड़ी मुश्किल में आग में से निकल के आए, मैंने पहली बार मौत देखी अपनी जिंदगी में, पहली बार झगड़ा देखा, ऐसा कभी नहीं देखा। ये डर लग रहा था हमें कि हम बचेंगे क्या नहीं बचेंगे, सिलेंडर इधर उधर फूक रहे हैं, सिलेंडर खोल रहा है, आग लगा रहा है, ऐसे फेंक रहा है, सब बम ब्लास्ट हो रहा है। को अपने घर वालों को निकालने गई लिए गया था शिवबिहार में, और वहाँ पे पब्लिक ने मुझे बहुत मारा और मेरी गाड़ी में भी आग लगा, बहुत ज़्यादा मारा, कमर पे भी पूरे निशान निशान आ रहे हैं, डंडे डंडे खूब बजाए मेरी कमर पे, वो तो जान से मारने वाले थे लेकिन पता नहीं क्या किस्मत ने साथ दिया जो मैं वहाँ से निकल गया। कैमरे लगे थे उन्होंने लगवाए थे, केजरीवाल ने कुछ घर वालों ने लगाए थे, हमारे खुद के लगे थे, वो सारे उतार लिए उन्होंने। जो एक आधे घर बचे हैं ताला भी तोड़ रहे, सारी गाड़ी लगा के सामान भी भर रहे, कोई रोक थोक नहीं है, मैं क्या करूं, जिसके बचे हैं मकान उनमें भी तोड़ा फाड़ी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे, गाड़ी लगा के सामान भर रहे हैं, शादी के लिए पैसे जोड़े कि घर रहने के लिए घर बनाए कि बच्चे पालें, कपड़े वपड़े सब कुछ नहीं लाए, ऐसे ही जे कपड़े पहनाए सोचे ऐसी आगे मुश्किल। मेरी बेटी देखो क्या हालत करी है, इसी में बच्ची को अपनी लेके आया, पढ़ाई भी मार दी, स्कूल भी जला दिया, पेपर मार दी, मेरी बच्ची पूरी साल पढ़ाई खराब भी हो गई है, मैं क्या करूं, बच्चे रो रहे तड़प रहे, कह रहे अम्मी घर चलो, कैसे जाऊं घर पे। इधर भी एक हिंदू का घर है, इधर भी एक बीच में मुसलमान का घर है, वो जलाया गया है, बीच में हिंदू का घर है वो किसी ने नहीं जलाया, अगर बाहर के लोग आते तो वो उन्हें क्या पता ये कौन सा हिंदू का घर है या कौन सा मुसलमान का घर है, कि हम किसका घर जलाएं किसका ना जलाएं, घर सब बस्ती एक होती है, हिंदू मुसलमान सब मिलजुल कर रहते हैं, रहते चले आए, मुझे 30 साल हो गए सिब्यार में रहते हुए, मैंने कोई भी ऐसा हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं देखा। बड़ी दिक्कत साए निकल के वो कह रहे गोली मारो इनके, मुसलमान है गोली मारो, जीतेंगे तब भी मारेंगे मुसलमानों को, हारेंगे तब भी मारेंगे, यह हिंदुस्तान में रहने नहीं देंगे मुसलमानों को। ये पहली बार साजिश रची गई है एमएलओ ने, नेताओं ने ये मिलजुल के हमारे साथ ये काम किया है। प्रशासन से कई बंदों ने मदद मांगी लेकिन पूरी हेल्प नहीं मिली,
दस पंद्रह लोग आए और दस पाँच मिनट के लिए आए और चले गए। कोई लीडर नहीं आया है, कोई इस तरह का लीडर अपने आप में सामने नहीं आया। केजरीवाल जी तीन दिन पहले आए थे, जो रोड दौरा कर करके चले गए। उसमें हमारे सामने के MLA थे, हाजी यूनुस साहब और सुरेंद्र साहब दोनों साथ में थे, मगर आम पब्लिक से कोई संपर्क अभी नहीं हुआ है। चमन पार्क वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमारी हेल्प की और मदद की, और अभी खाने पीने का इंतजाम वही लोग कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। सरकार से उम्मीद करता हूँ वो हमारी मदद करें। ये कब तक करेंगे चमन पार्क वाले? हुड़दंग उठा, किसी ने बयान दिया, किसी ने सांप्रदायिक माहौल बनाया अपने जाति फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, और उसमें पिसा कौन, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, पिसता वो आदमी है जिसका कोई कसूर नहीं हो। नेता को कोई एक बच्चा मर के दिखाए किसी भीड़ में, कोई एक नेता का बच्चा कभी कोई रिकॉर्ड बताए कोई कि उसका नेता का बच्चा वहाँ लड़ने गया था और वो मर गया? मरते हमारे आम लोग भाई हैं, और जिसका मरता उसके दिल से पूछो चाहे हिंदू हो या मुसलमान कि उसके ऊपर बीस थी क्या है।